से मैंने बताया है कि इन्होंने ऐसे गरीब लोगों को उठाना, बच्चों को उठाना ताकि इंटरनेशनल न्यूज़ बने, माइनॉरिटीज़ के हमारी हिंदू कम्युनिटी के, इस वक्त भी दो लोग कश्मीर में किडनैपी और पूरी इंशाल्लाह ताला उनको भी जल्दी रिकवर कराया जाए। अगेन मैं वही बताऊँ, इनसे मिलना तो कुछ नहीं है लेकिन एक खबर बनाने के लिए ताकि पाकिस्तान को बदनाम करें, हुकूमत सिंध को बदनाम करें, सिंध पुलिस को बदनाम करें कि जी ये पसपा हो गई है डाकू, ये जो बुजदिल है ना उनके काम थे जो उन्होंने ये किए। लेकिन मैं पुलिस के जवानों को शाबाश देता हूँ, वो साबुत कदम रहे, बहुत प्रेशर आया, हमारी पुलिस ने बहुत शहादतें उठाई हैं इधर, और इसमें इंशाल्लाह ताला जैसे हम पूरे सिंध को, शहरों को भी हमने जो एक ज़माने में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी उनसे पाक किया है, सुबह सिंध में भी एक ज़माना वो भी था कि आप कच्चे में एक लाड़काना से सखर जाते हुए या जेकबाद जाते हुए सखर से कॉन्वॉयज में ट्रैवल करते थे। अब ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, इनको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कच्चे में, और ये भी ये जो आखिरी सांसें ले रहे हैं और उस वजह से वो एक रिएक्ट कर रहे हैं, गरीबों को उठा रहे हैं, ये डाकू ने शुरू किया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध, सिंध पुलिस और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सबको जहन्नुम रसीद करेगी।